नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, दसवीं पास के युवाओं के लिए बम्पर बहाली आई है और इस बहाली को मिस नहीं कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं रोजगार समाचार रिक्रूटमेंट न्यूज। तो दोस्तों, इसमें हम बताते हैं कहां कहां है रोजगार के अवसर। आज मेगा रोजगार समाचार है और दसवीं पास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो हम बता रहे हैं आपको कि एसएससी ने पुलिस कांस्टेबल के 25,271 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों, यह ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, एसएससी की जॉब है, तो समझ सकते हैं कि इसमें हो जाने के बाद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षा, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा, पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षा का कार्यक्रम और उसका आयोजन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों से वांछित योग्यता प्रमाण पत्रों दस्तावेजों का संग्रहण और उसका सत्यापन होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस विषय में, थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 25,271 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग के क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट और साथ ही सीआरपीएफ की वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा 31 अगस्त है लास्ट डेट। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण किया हो और विस्तृत जानकारी के लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो आपको वीडियो के अंत में आपकी स्क्रीन पर आएगा। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो उम्मीदवारों को, चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। बहुत ही आकर्षक वेतन है, सरकारी नौकरी है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, चयन प्रक्रिया क्या होगा? तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, भौतिक मानक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर चयन हो जाएगा दोस्तों। और आवेदन करने के लिए क्या करें? तो आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं और वेबसाइट के पता आपके स्क्रीन के सामने है। तो दोस्तों, यह थी एसएससी में पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा, लेकिन दसवीं पास युवाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए अभ्यर्थी कर सकते हैं वहां आवेदन। तो दोस्तों, आर्मी के लिए आपको आवेदन करना है, उसकी रैली निकाली जा रही है। तो भर्ती रही, तो बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ दसवीं उत्तीर्ण किया हो अथवा 50% अंकों के साथ साइंस से 12वीं किया हो। विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। अब वेबसाइट तो आपको जैसा पता है कि आपकी स्क्रीन के सामने मैं डाल देता हूं। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो सोल्जर जनरल ड्यूटी और आर्म्स के लिए उम्मीदवारों की आयु 17 साल से 21 साल तक है के बीच होनी चाहिए, जबकि अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 17 से 23 साल होगी। वेतनमान, चयनित उम्मीदवारों को इंडियन आर्मी के तय नियमों के अनुरूप प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया है, योग उम्मीदवारों का चयन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल तथा
कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए जल्दी से आवेदन करें। तो आवेदन करने के लिए आपको मैं बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वह वेबसाइट का पता आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। तो बहुत बड़ा मौका है मैट्रिक पास युवाओं के लिए। इंडियन आर्मी विभिन्न विभागों में सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर टेक्निकल सहित सिपाही पद के लिए उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए चेन्नई में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करने जा रही है। उम्मीदवार 30 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो शुरू हो जाइए लॉन्ग जंप, हाई जंप और दौड़ लगाना दोस्तों। 83-10वीं पास युवाओं के लिए रिक्वायरमेंट की सूचना। और दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं अगले रोजगार समाचार में, जहां इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों से आपसे गुजारिश है कि आपको रोजगार संबंधित खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार बरसाइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और क्या जानना चाहते हैं कमेंट में भी लिखिए। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।